स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। शो में लीप के बाद पूरी कहानी में बदलाव आ चुका है। शो में आगे की कहानी सभी और ईशान के इर्द गिर्द घूम रही है। बीते एपिसोड में आपने देखा कि सभी को ध्रुवा और आयुष मिलकर कॉलेज के एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिसके बाद उसे आधी रात ईशान और सभी की बहन मिलकर कॉलेज के बंद कमरे से बाहर निकालते हैं। कॉलेज के कमरे से बाहर आने के बाद सभी की हालत बेहद नाजुक होती है, जिसके बाद ईशान मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है और ध्रुवा से सवाल जवाब करता है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी अपने साथ हुई रैगिंग को भूलती नहीं है। वो ध्रुवा और अवनी को सबक सिखाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो ध्रुवा और अवनी के खिलाफ केस दर्ज करवाएगी। इधर रैगिंग वाले मामले से अक्का साहिब परेशान दिखेंगी। वो अपने परिवार की इज्जत पर आंच न आ जाए इसके लिए कदम उठाती दिखेंगी, मगर सभी हार नहीं मानेगी और भोसले परिवार को ही चुनौती दे डालेगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सभी भोसले परिवार को चेतावनी दे डालेगी। सभी भोसले परिवार से साफ कहेगी कि उसकी रैगिंग ध्रुवा और अवनी ने की, वो इस मामले को यही खत्म नहीं करेगी और इसे आगे लेकर जाएगी। सभी की हालत देख ईशान पहले से ही परेशान है। उसे अपनी बहन ध्रुवा पर भी शक है, साथ ही कॉलेज का प्रबंधक होने के वजह से अब वो इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सभी का सच ईशान के सामने आ सकेगा, क्या सभी को न्याय मिलेगा। ये जानने के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।